जब मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के चैनल चेक करता हूँ तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपके चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आते। तो मैं जब यहाँ पर कल भी लाइव स्ट्रीम किया, बहुत दिनों से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अगर आप लोग को लाइव स्ट्रीम का नहीं पता है तो मैं हर दिन शाम को 5 बजे या 4 बजे के बीच लाइव स्ट्रीम करता हूँ और सबके यहाँ पर चैनल चेक करता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपके चैनल सर्च में नहीं आता तो मैं यहाँ पर आपके चैनल चेक नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक नहीं रख सकते हो, जिससे कि मेरे को चेकिंग करने में या फिर उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको यही कुछ बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे ला सकते हो और कैसे अपने चैनल का नाम अच्छे से आप रख सकते हो। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूँ, आपका चैनल का नाम रखने का तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक यूनिक चैनल का नाम रख सकते हो जो कि यूट्यूब में सबसे अलग होगा और यूट्यूब में सर्च करने पर सबसे ऊपर रैंक करेगा आपके चैनल का नाम। वो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल बनाते हो उस समय आपको ध्यान रखने यूट्यूब पर जाकर अपना जिस भी नाम के ऊपर आप चैनल बनाना चाहते हो तो वो नाम आपको सर्च करना है और देखना कि इस नाम से ऑलरेडी कोई यूट्यूब चैनल है जो कि 1 लाख या 2 लाख के आसपास जिनके सब्सक्राइबर है 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर, अगर ऐसा चैनल है तो वो नाम आपको नहीं लेना है। अगर वो नाम आप लोगों को तो वहाँ पर आपकी चैनल आपका चैनल सर्च में नहीं जाएगा, उसी भाई का चैनल सर्च में जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं तरीका बता, आपको 3 वर्ड में अपना चैनल का नाम लिखना है। कितने वर्ड में? सिर्फ 3 वर्ड में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम, जैसे मैं नाम जानते हो कि सुनील सुता टेक, तो यानी 3 वर्ड हो चुके हैं इस नाम में। इस तरह से आप अपने नाम के हिसाब से 3 वर्ड रख सकते हो किसी भी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको जो बता दूँ, एक गेमिंग चैनल है तो मैं यहाँ पर एक गेमिंग चैनल का नाम रखना चाहता हूँ तो उसमें मैं 3 वर्ड या फिर 2 वर्ड का गेमिंग चैनल नाम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सुनील सुतार गेमिंग कर सकता हूँ, यानी कि आप अपने 3 वर्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो ये इससे क्या होता है कि वहाँ पर इस तरह के जो चैनल्स होते हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब पर कम मिलेंगे और यहाँ पर ये चैनल आपका सर्च लिस्ट में जल्दी आ जाएगा अगर यूनिक नाम होगा आपके चैनल का। तो इस तरह से आप अपने चैनल का नाम रख सकते हो किसी भी कैटेगरी के ब्लॉगिंग के। तो यहाँ पर मैं सुनील सुता ब्लॉगिंग, इस तरह से मैं बहुत सारे चैनल्स बना सकते हैं, वो अपने नाम के ऊपर ही बनाना। अगर आपको कुछ और नाम रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने नाम तो बना लिया अच्छे से, चैनल का नाम भी बना लिया, बट वहाँ पर आपका चैनल फिर भी सर्च लिस्ट में नहीं आता है। तो ये गलती बहुत सारे क्रिएटर्स के चैनल सर्च में नहीं आते। तो भाई देखो मैं आप लोगों को बताऊँ, जब तक आपके चैनल में 10 से 15 वीडियो नहीं अपलोड की, अगर आपने 10 से 15 वीडियो अपलोड कर रखी है फिर भी आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, तो देखो आपको हर वीडियो में हैशटैग लगाकर इस तरह से अपना चैनल का नाम डालना है, हैशटैग लगाकर डालना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है और उसके बाद टैग्स में भी एक अपने नाम का स्पेशल जो कीवर्ड्स बनाकर हैशटैग लगाकर आपको यूज़ करना है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ सुनील सुता टैग, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट में भी यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने चैनल का यहाँ पर 10 से 15 वीडियो में डाल देना, उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो वहाँ पर रैंक करने लग जाएगी। और एक और तरीका होता है कि जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए और वहाँ पर आपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बना लिया और आपके यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा, तो आपको देखो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको नीचे देख लो, यहाँ पर नीचे जो स्लाइड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ सेटिंग का, यहाँ पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना जो चैनल के रिलेटेड, जो आपके चैनल के नाम के रिलेटेड आपको टेक्स्ट लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुनील ब्लॉग्स, सुनील ब्लॉगिंग, ब्लॉगर सुनील, इस तरह से जो घुमा फिरा के आप टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि घुमा फिरा के टेक्स्ट लिखने से आपका जो वीडियो है यानी कि जो आपका चैनल है वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा, इस टैग के थ्रू आपका चैनल वहाँ पर सर्च में रैंक करने लगा और इस तरह से आपका चैनल डेफिनेटली यहाँ पर यूट्यूब सर्च पर रैंक करने लग जाएगा। देखो मेरा चैनल यहाँ पर गूगल सर्च में भी रैंक करता है, मैंने यही खुद तरीका आजमाया। फर्स्ट में मेरा भी चैनल यहाँ पर यूट्यूब सर्च में या फिर ब्राउज फीचर्स में कहीं पर भी नहीं आता था, बट मैंने जब से ये ट्रिक अपनाई तो मेरा चैनल यहाँ पर रैंक करने लगा। तो आप भी इस ट्रिक से 100% अपना चैनल रैंक करा सकते हो यूट्यूब सर्च में। तो अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। फिर से एक नए वीडियो बहुत जल्दी मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय।